प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाया। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आज से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है सेवा पखवाड़ा। सेवा से जुड़ी कई गतिविधियां की जाएंगी आयोजित। देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल से धर्मशाला में शुरू। सम्मेलन में भारत को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर उभारने के पहलुओं पर तैयार की जाएगी योजना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी दौरे को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के दिए निर्देश। मंडी में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिमला जिले के रामपुर में आज भाजपा महिला मोर्चा के एक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने प्रदेश में किया समान विकास सुनिश्चित। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर से बागवानों की अनदेखी का लगाया आरोप। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, मंडियों में सेब बागवानों से हो रही है अवैध वसूली, सरकार का नहीं है कोई नियंत्रण। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में स्पेशल ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर आज से शुरू। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से सेंटर का किया शुभारंभ। दिव्यांग बच्चों के हितों की होगी रक्षा। प्रदेश के मंडी जिले में वेटलैंड रिवाल्सर में मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास के नए आयाम हुए स्थापित। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में स्वास्थ्य सड़क शिक्षा में किया गया है बेहतर कार्य। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लाहौल मंडल के कारगा में आईटीआई प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने युवाओं से तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने की अपील।